good morning dear students this is puspanjali singh your science teacher and i welcome you all in dss online classes today i am going to continue chapter 4 that is heat today we all will read about what is transfer of heat heat energy flow from a substance which is a higher temperature to substance which is a lower temperature द द टेम्परेचर ऑफ बोथ इज़ सेम, हीट जो टेचर होता है हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में ट्रांसफर होता है कैसे इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे आपके घर आप जब कुछ भी पकाते हो तो क्या होता है उस सब्सटेंस को डायरेक्ट फ्लेम पे तो रखते नहीं हो उसको हम किस में पकाते हैं किस में कुक करते हैं किसी न किसी यूटेंसिल में यूटेंसिल में क्या करते हैं उस सब्सटेंस को रखते हैं और किस पे ले जाते हैं फ्लेम के नीचे ले जाते हैं अब फ्लेम के नीचे यूटेंसिल हमारा क्या है कूल cool है यानी उसका टम्परेचर क्या है लो है जब हम उसको क्या किए हॉट किए ठीक है हॉट कैसे होगा जब हम क्या करेंगे उसको फ्लेम पे रखेंगे फ्लेम का टेम्परेचर क्या है हाई है अब ये क्या हुआ यहाँ से जब ये टेम्परेचर मिला हाई टेम्परेचर मिला तो यूटेंसिल क्या हुआ कुक हुआ सॉरी uh, यूटेंसिल क्या हुआ हॉट हुआ हॉट होने से क्या हुआ जो इसमें रखा हुआ हमारा फूड है वो भी क्या हुआ हॉट हुआ गर्म हुआ जिससे हमारा फूड क्या हुआ पक गया तो इस तरह सब्सटेंस क्या हुआ हमारा ये हायर टेम्परेचर यानी हीट क्या हो रहा है क्या हॉट बॉडी से क्या हो रहा है कोल्ड बॉडी में यानी हायर से लो सॉरी हायर से जो टम्परे सब्सटेंस है लोअर सब्सटेंस में हीट क्या हो रहा है ट्रांसफर हो रहा है इसे ही हम क्या कहते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट हीट ट्रांसफर कैसे होता है हायर सब्सटेंस टू लो सब्सटेंस अब देखो बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं वो क्या हो करते हैं बहुत सारे ऑल द सब्सटेंस डू नॉट गेट हीटेड अप क्विकली बहुत जल्दी नहीं गर्म होते हैं द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब डिपेंड ऑन द सेम ऑन द काइंड ऑफ मेटल सम सब्सटेंस गेट हीट क्विकली विल सम टेक लॉन्गर टू गेट हीट कुछ सब्सटेंस ये क्या करता है ये मटेरियल पे डिपेंड करता है कुछ सब्सटेंस क्या करते हैं बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और कुछ सब्सटेंस होते हैं गर्म होने में बहुत टाइम लगता है तो जब हीट क्या होता है ट्रांसफर होता है द फ्लो ऑफ हीट ऑलवेज टेक फ्लॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट हीट हमेशा कैसे ट्रांसफर होता है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट हीट ट्रांसफर फ्राम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी कैन टेक बेस इन थ्री डिफरेंट्स वे सच कंड कन्वेक्शन एंड रेडिएशन हीट जो ट्रांसफर होता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में तीन तरीक तीन मेथड के थ्रू ट्रांसफ़र होता है फर्स्ट को क्या कहते हैं कंडक्शन एंड सेकेंड कन्वेक्शन एंड लास्ट आर रेडिएशन कंडक्शन जो होता है जिसमें हीट किसमें ट्रांसफर होता है सॉलिड हीट जो ट्रांसफर हीट कैन ट्रांसफर थ्रू सॉलिड लिक्विड एंड गैस तीनों मीडियम में हीट ट्रांसफर होता है कंडक्शन में हीट जो ट्रांसफर होता है सॉलिड मीडियम में से सॉलिड मीडियम में और कॉन्वेक्शन में लिक्विड एंड गैस में ट्रांसफर होता है और रेडिएशन में डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम इसमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है किसमें रेडिएशन में नाउ मूव द मैथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट आर कंडक्शन अब हम पढ़ेंगे जो मेथड ऑफ ट्रांसफर हीट होता है फर्स्ट जो मेथड होता है कौन सा होता है कंडक्शन कंडक्शन होता क्या है इस कंडक्शन को हम किसके थ्रू एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू hmm. अब कैसे इफ वन एंड ऑफ स्टील स्पून इज इन टू अ फ्लेम स्टील स्पून को लेंगे उसको कहाँ ले जाएंगे फ्लेम पे रखेंगे एंड हेल्ड एट द अदर एंड ऑफ टाइम और दूसरे एंड को क्या करेंगे उस स्पून को हम क्या करेंगे पकड़ेंगे ठीक है फ्लेम पिले गए और दूसरे एंड को हम पकड़ेंगे कुछ समय तक पकड़ेंगे इट विल बी डिफ़िकल्ट टू होल्ड द स्पून अस इट विल बी हॉट एट द अदर एंड टू कुछ समय बाद हमें क्या होगा दूसरा जो ओ, हिस्सा है स्पून का हम पकड़े उसको पकड़ना हमें क्या हो जाएगा डिफिकल्ट हो जाएगा क्यों इसका रीजन क्या है इसका रीजन ये है बिकॉज़ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हॉट इन ऑफ स्पून टू कोल्ड एंड ऑफ स्पून हीट क्या हो गया ट्रांसफर हो गया कहाँ ट्रांसफर हुआ हॉट इंड से कहां पे पे ठीक है हीट ट्रांसफर हो गया हॉट एंड से कोल्ड एंड पे तो इसे क्या कहा जाता है किस प्रोसेस के थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन किस प्रोसेस के थ्रू हीट ट्रांसफर हुआ है हॉट एंड से कोल्ड एंड तक जब हीट क्या होता है हॉटर एंड टू कोल्ड एंड ऑफ एंड ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है कंडक्शन प्रोसेस क्या कहा जाता है द प्रोसेस बाई विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन जब हीट हॉटर पार्ट से किसी ऑब्जेक्ट के कोल्डर पार्ट में ट्रांसफर होता है तो उसे क्या कहा जाता है कंडक्शन प्रोसेस कहा जाता है अब इसको हम एक एक्टिव एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे अब सपोज टेक अ रॉड और फ्लैट स्टीप ऑफ अ मेटल से ऑफ एलमोनियम और आयरन किसी भी चीज़ का ले सकते हैं एंड फिक्स ए फ्यू स्मॉल वैक्स पीस ऑन द रॉड अब इस पर थोड़ा थोड़ा क्या कर लेंगे वैक्स लगा देंगे मोमबत्ती लगा देंगे एंड दिस पीस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस पे रखेंगे एंड देन क्लैंप द रॉड टू द स्टैंड अब इस को क्या करेंगे क्लैंप रखेंगे इफ इफ़ यू डू नॉट फाइंड अ स्टैंड यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रॉड इज बिटवीन द ब्रेक ताकि ये स्टैंड क्या करे मूव ना करे इस वजह से इसको हम क्या करेंगे दो ब्रिक के बीच में लगा देंगे ठीक है ताकि ये स्टैंड क्या हो क्लैंप ना करे मुड़े ना ये रोल ना हो अब नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड अब इसके क्या करेंगे एक एंड रॉड के एक एंड पे क्या करेंगे इस रॉड को हीट करेंगे किससे हीट करेंगे किससे कैंडल से हीट करेंगे अब क्या देखेंगे जब इसके एक एंड पे जब हम इसको हीट किए तो धीरे धीरे इसमें जितने भी कैंडल लगे थे सारे कैंडल जो वैक्स हैं वो भी क्या करेंगे मेल्ट करने लगेंगे क्यों जो वैक्स है फॉल डाउन होने लगेंगे धीरे धीरे क्यों क्योंकि हीट क्या हो रहा है ट्रांसफर हो रहा है किस में हॉट एंड से किस में जो कोल्ड एंड है ठीक है तो जब हीट क्या होता है ट्रांसफर होता है किस में हॉट एंड से कोल्ड एंड में तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है कंडक्शन प्रोसेस वेन हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू कोल्डर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्डक्शन प्रोसेस इसी तरह एक और एग्जाम्पल है अब यहाँ पे एक क्या है यूटेंसिल में कुछ कुक हो रहा है इसमें क्या है कुक कर रहे हैं और ये कुक जो भी सब्सटेंस है कुक हो गया है कैसे कुक हुआ कैंडल फ्लेम में आ, हीट कहाँ ट्रांसफर हुआ हमारे जो भी सब्सटेंस है उसमें ट्रांसफर हुआ जिससे वो धीरे धीरे वो सब्सटेंस हीट ट्रांसफर होके वो क्या हो गया कुक हो गया तो जब हीट क्या होता है ट्रांसफर होता है किसमें हॉट एंड से कोल्ड एंड में तो उस प्रोसेस को कहा जाता है कंडक्शन प्रोसेस एंड नाउ मूव द नेक्स्ट टॉपिक कंडेक्टर एंड इंसुलेटर कंडेक्टर होता वॉट इज कंडेक्टर 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 इज द मटेरियल विच अलाउ द हीट टू पास थ्रू दैम इजली आर कॉल्ड कंडेक्टर ऑफ हीट कंडक्टर उसे कहा जाता है जो क्या करे हीट को इजली क्या करे पास करे ठीक है तो उस मटेरियल को जो मटेरियल हीट को इजली पास करे तो उस मटेरियल को कहा जाता है कंडक्टर ओके okay? जो हीट को क्या करे इजली सब्सटेंस डेट अलाउ हीट एनर्जी टू ट्रांसफर थ्रू दैम क्विकली और इजली आर कॉल्ड कंडक्टर उसे कंडक्टर कहा जाता है जो हीट को इजली पास करता है और इंसुलेटर किसको कहा जाता है सब्सटेंस डो नॉट अलाउ द हीट एनर्जी टू फ्लो दैम इजली इस कॉल्ड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इंसुलेटर या तो इंसुलेटर भी कह सकते हैं या पुअर कंडक्टर कह सकते हैं अब कंडेक्टर की एग्जाम्पल क्या क्या है फॉर एग्जाम्पल एलमोनियम आयरन कॉपर एक्सेट्रा अब कैसे अल्मोनियम क्या है अल्मोनियम आयरन कॉपर ये सारे कंडक्टर कहा जाता है बिकॉज आवर हाउस हमारे घरों में क्या है यूटेंसिल यूटेंसिल आर यूज फॉर कुकिंग आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मेटल जो हमारे घरों में यूटेंसिल होते हैं वो किससे बने होते हैं मेटल के बने होते हैं तो उसमें कुछ मेटल्स होते हैं बहुत ही अच्छे ही हीट के कंडक्टर होते हैं ठीक है तो जिसमें क्या होते हैं क्या हमारे जो भी फूड पकाते हैं वो क्या हो जाते हैं कुक होते हैं तो जो यूटेंसिल होता है वो क्या किसका बना क्या है हमारा कंडक्टर क्योंकि ये हीट ट्रांसफ़र हुआ जिससे हमारा फूड क्या हो गया कु, कु, कुक हुआ मरकरी भी है मरकरी अभी आपने पढ़ा है थर्मोमीटर में यूज़ होता है वो भी क्या है कंडक्टर है जो क्या करता वो भी एक तरह का क्या है कंडक्टर है और क्या है ऐसे बहुत सारे आयरन हैं कॉपर हैं ये सारे मेटल हैं जिसको कहा जाता है कंडक्टर और जो इंसुलेटर क्या होता है जो हीट को क्या करे पास ना करे उसे क्या कहा जाता है इंसुलेटर कहा जाता है इंसुलेटर वुड प्लास्टिक एयर वाटर रबर ये सारी क्या होते हैं इंसुलेटर होते हैं हमारे घर में जो कुकर होता है कुकर प्रेशर कुकर उसके जो हैंडल होते हैं हैंडल्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक उस पे प्लास्टिक के बने होते हैं लगे होते हैं प्लास्टिक के कवर होते हैं क्यों बिकॉज क्योंकि प्लास्टिक आर इंसुलेटर क्योंकि प्लास्टिक क्या है इंसुलेटर है जो कॉपर वायर होते हैं उसके ऊपर भी देखो क्या लगा होता है प्लास्टिक कोटेड होता है क्यों होता है क्योंकि क्या हो उसके जो इलेक्ट्रिसिटी है पास ना हो ठीक है और प्लास्टिक क्या होता है इंसुलेटर होता है वो क्या करता है पास नहीं करता है वुड भी क्या है इंसुलेटर है एयर ऐसे बो सब्सटेंस है इंसुलेटर है आई होप आपको समझ में आ गया होगा वो क्या होता है वॉट इज ट्रांसफ़र ऑफ हीट एंड फर्स्ट मैथड जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट का है कंडक्शन आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो टेक केयर बाय